हरे कृष्णा। तो आज के इस द्वितीय सत्र में आप स्वागत है। हम लोग भगवान नरसिंह देव की आविर्भाव दिवस के उपलक्ष्य में भगवान नरसिंह देव की अद्भुत लीलाएं सुन रहे हैं। आज हम आपको उसी क्रम में कुछ और लीलाएं सुनाएंगे। तो एक बार एक मायापुर में एक भक्त एक माता जी वहां गई और उनका कुछ अपना कष्ट था, किसी को बता नहीं था। उन्होंने भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना किया था। तो एक दिन भगवान नरसिंह देव की पूजा चल रही थी, अभिषेक चल रहा था, अचानक वहां पर देखा गया कि भगवान नरसिंह देव के माला से एक फूल गिर गया। तो पुजारी जो थे उन्होंने देखा कि अचानक से एक फूल टूट के गिर गया। तो उन्होंने उस फूल को उठाया और जो सब लोग दर्शन कर रहे थे भीड़, तो उसको उन्होंने पूछा कि किसी को यहाँ पर किसी ने भगवान नरसिंह देव से कोई स्पेशल अभी अभी कोई प्रार्थना की है क्या? तो जितने लोग आगे थे कोई कुछ बोला नहीं। तो जैसे ही उन्होंने और पूछा तो पीछे से एक माता जी रोते हुए सामने आई, बोली हाँ मैंने एक प्रार्थना भगवान नरसिंह देव से किया है। क्या प्रार्थना किया है? बोली मेरे एक बेटी है और लेकिन उसका जो है कोई बच्चा नहीं है, कोई संतान नहीं है, शादी को काफी समय हो गया है। तो मैंने भगवान नरसिंह देव से ये प्रार्थना की है कि हमारे बेटी को कोई संतान हो। तो पुजारी ने कहा कि आपकी प्रार्थना जो है सुन ली गई है, भगवान नरसिंह देव की जो माला से फूल गिरा है ये कोई आसान बात नहीं है, ये प्रसाद के रूप में आप ले जाइए और इस फूल को धुलकर वो पानी आप अपनी बेटी को पिला दीजिए। तो ऐसा ही उन्होंने किया। एक साल के बाद वो माता जी फिर से उसी मंदिर में आई मायापुर के नरसिंह देव के सामने, और वो आई अपनी बेटी के साथ, दामाद के साथ, और उनके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था। उन्होंने कहा कि वो जो आपने फूल दिया था वो सही में भगवान नरसिंह देव का प्रसाद था, भगवान नरसिंह देव की कृपा से जो है हमारे घर में हमारी बेटी को ये संतान की प्राप्ति हो गई। इस तरीके से भगवान नरसिंह देव ने वो माता जी की प्रार्थना सुनी और उनको जो उनकी इच्छा थी वो दिया। तो एक बार और ऐसे ही प्रभुपाद जी के समय में हमारा एक मंदिर बन रहा था इस्कॉन का। उस मंदिर के बनने के समय में बहुत बड़ा मंदिर बन रहा था और प्रभुपाद जी उसको बना रहे थे। तो उस मंदिर के बनने में एक व्यक्ति बहुत ही व्यवधान डाल रहा था, बहुत तरह की समस्याएं कर रहा था, बार बार वो कुछ ना कुछ कर देता था और भक्त लोग परेशान थे। मतलब वो इतना बड़े स्तर पे समस्या करता था कि लीगल एक्शन भी हो रहा था और भक्तों को परेशान भी कर रहा था, जान की भी धमकी दे रहा था, कई तरह के उल्टे काम मंदिर में कर देता था ताकि मंदिर वालों का नाम बदनाम हो जाए। इस तरीके से वो कई तरीके से जो है भक्तों को परेशान कर रहा था और मंदिर में व्यवधान डाल रहा था कि मंदिर ना बन पाए। तो फिर भक्तों ने जाके श्री प्रभुपाद से प्रार्थना किया कि इस तरीके से ये व्यक्ति हमारे मंदिर के बनने में व्यवधान ला रहा है। तो श्री प्रभुपाद जी को तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा एक व्यक्ति, उन्होंने पहले उसको समझाने की कोशिश किया, वो नहीं माना। तो फिर उन्होंने जो है प्रभुपाद जी ने भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना किया। भगवान नरसिंह देव जो है भक्ति में आए हुए विघ्नों को तुरंत जो है खत्म कर देते हैं, है ना, विघ्न को भी खत्म कर देते हैं, कभी कभी विघ्न करने वाले को भी खत्म कर देते हैं, है कि नहीं। तो भगवान नरसिंह देव, इस तरीके से श्री प्रभुपाद जी ने भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना किया कि भगवान हमारी ये प्रार्थना है, हम ये मंदिर आपकी सेवा के लिए बना रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे भक्त आएंगे, आपका नाम कीर्तन करेंगे, संकीर्तन होगा, प्रसाद वितरण होगा, जीव कल्याण होगा। आज देखिए हमारे इस्कॉन के मंदिर कितने हर जगह ऐसी विषम परिस्थिति हो रखी है और उसमें इस्कॉन के मंदिर सबको फ्री में प्रसाद, भरपेट प्रसाद खिला रहे हैं, उनको दे दे के जा रहे हैं, उनकी जगह पे दे रहे हैं इस लॉकडाउन की परिस्थिति में। तो प्रभुपाद जी ने उस समय प्रार्थना किया कि हमारा ये मंदिर आपकी सेवा के लिए बन रहा है, यहाँ पे बहुत सारे भक्त आएंगे, बहुत सारे भक्त बनेंगे और यहाँ पे कीर्तन होगा, यहाँ पे प्रसाद वितरण होगा, कितने सारे जीवों का उद्धार हो जाएगा। तो हे नरसिंह भगवान,
अगर आप इसमें प्रसन्न हो तो आप इस समस्या का समाधान अपने हिसाब से करें और ये मंदिर को बनने में आप हमारी मदद करें। तो इस तरीके से भगवान नरसिंह देव से श्रील प्रभुपाद जी ने प्रार्थना कर दी। और उसके बाद कुछ दिनों में देखा कि अचानक बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से वो व्यक्ति अचानक से उसका हार्ट अटैक हो गया और वो व्यक्ति मर गया। तो इस तरीके से वो व्यक्ति मर गया तो सब लोगों ने आके प्रभुपाद जी को बताया कि अचानक उस व्यक्ति का हार्ट अटैक हो गया। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हो सकता है भगवान नरसिंह देव ने इस तरह का व्यवस्था किया हो। बाद में वो व्यक्ति का हार्ट अटैक अचानक इससे हो गया तो उसका फिर केस भी हुआ और उसका जो परीक्षण सब होता है पोस्टमार्टम वो सब हुआ तो उसकी रिपोर्ट में आया कि जो है उसको हार्ट अटैक ही हुआ था और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो डॉक्टर जिसने चेकिंग किया था वो आया मंदिर में और उसने भक्तों को बताया कि उसका भगवान नरसिंह देव में विश्वास और ज्यादा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि उसने बताया कि ये जो व्यक्ति का मैंने परीक्षण किया है डेड बॉडी का, ये डेड बॉडी तो एक्चुअली में इसका हार्ट तो फेल हुआ है, ये बात तो सत्य है, लेकिन एक अजीब सी चीज मैंने देखी कि उसके हृदय पर एक जानवर जैसे शेर होता है या चीता होता है उसके पंजे के निशान है। उसका हृदय ऐसे लग रहा है जैसे किसी शेर ने उस हृदय के अंदर नाखून घुसा के उसको दबा दिया हो, उसको पाउडर बनाने की कोशिश की गई हो। तो उसके हृदय के अंदर नाखूनों के निशान है, शेर के नाखून के निशान है। तो अगर शेर के नाखून के निशान है तो सीने पर नहीं है, बाहर से देखेंगे तो कोई निशान नहीं है, लेकिन अंदर उस डॉक्टर ने जिस निशान है तो वो डर गया और उसने सोचा है तो भगवान नरसिंह देव की ही कृपा हो सकती है। तो हो सकता है कि भगवान नरसिंह देव, भगवान तो सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं और भगवान जो है नरसिंह देव वहीं से नरसिंह रूप बना के, परमात्मा नरसिंह रूप बना के उसको मार दिए। क्यों? क्योंकि वो भक्तों को परेशान कर रहा था, भक्त मंदिर बनने में व्यवधान ला रहा था, भक्तों के कीर्तन में नाम संकीर्तन नाम के प्रचार में व्यवधान ला रहा था और शुद्ध भक्त की प्रार्थना थी, शुद्ध भक्त को परेशान कर रहा था। इस तरीके से वो जो व्यक्ति था भगवान नरसिंह देव ने उस पर इस तरह से कृपा किया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भगवान नरसिंह देव किस तरीके से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हमेशा वो तत्पर है, हमेशा वो रेडी रहते हैं कि कैसे वो एकदम से। इसलिए आपने देखा है हमारे मायापुर के नरसिंह भगवान, उनकी मुद्रा ऐसी है कि वो बिल्कुल कूदने वाले हैं एकदम से, जैसे कोई जैसे किसी को कुछ बताओ एकदम से उठता है ना, चलो मैं देखता हूँ कौन तुम्हें परेशान कर रहा है। इस तरीके से भगवान नरसिंह देव वहां पे बिल्कुल ऐसे उछलने ही वाले हैं, इस मुद्रा में वहां पर विराजमान है कि कोई भक्त जैसे ही कुछ हमसे प्रार्थना करेगा और उसको कष्ट होगा, मैं एकदम से नरसिंह भगवान बोल रहे हैं मैं आ जाऊंगा उसकी मदद करने के लिए। तो इस तरीके से जो है भगवान नरसिंह देव की कथा है और ये बिल्कुल सच्ची घटना है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम जो है फिर से एक नई कथा के साथ आपको बताएंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवान नरसिंह देव की जय, भक्त श्रोमणी प्रह्लाद महाराज की जय। हरे कृष्णा।